आज बहुत खुशी की बात है कि हम आदिकाल की जो उत्पत्ति माँ की हुई है यहाँ उस धरती पर हम नमन कर रहे हैं और समाज को जगाने के लिए आज हम चिंतन और मनन कर रहे हैं। भाइयों, आजादी के बाद से यह पृथ्वी रची ही जब से आदिवासियों के साथ छल कपट हो रहा है। आप देखिए, आजादी तो बाद में हुई, जब पृथ्वी की रचना हुई, राजा बलि हो चाहे बाणासुर हो, भोले शंकर हो, रामा हो, इनको किस तरीके से राज से बेदखल किया गया, गलत पुराण बनाए लेखनी से इन्होंने, मनुवादियों ने हमारा इतिहास को इन्हें खत्म किया। भाई, आज समझने की जरूरत है। आज हमारे छात्र भाई एक अपनी पढ़ाई के साथ साथ में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको दुख और तकलीफ है। छात्राओं बोले हमारे छात्र भाइयों ने कि हमको काम करने में परेशानी जा रही है, बहुत सारे लोग बदनाम करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरे भाइयों, आपको बता देना चाहते, ये तो आदिकाल से हो रहा है। आपके बीच में आदिवासी बालक इतना महान बुद्धिजीवी, उसके साथ क्या हुआ छल कपट, योग्यता के साथ क्या हुआ? वो हमारा छात्र कौन था? ये एकलव्य का अंगूठा काटा गया, द्रोणाचार्य ने जो योग्यता थी हमारे आदिवासी वीर की, उस योग्यता को दान के नाम पर खत्म कर किया कि नहीं किया? उस योग्यता को उसने खत्म कर दिया द्रोणाचार्य। उस दिन से आज तक आज हमारे साथ वही चल रहा है। हमारे छात्र परेशान हैं, कुछ बोल नहीं सकते। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं भी छात्र था। जब छिंदवाड़ा के अंदर हम पढ़ते थे, छोटी छोटी समस्या थी जी, हॉस्टल की, खाना नहीं मिलना, छात्रवृत्ति नहीं मिलना, हम लिख लिख कर शिकायत करते थे कलेक्टर को, मुख्यमंत्री को। इससे यह हुआ कि वहां पर छिंदवाड़ा के अंदर छात्र छात्राओं में जोश आया, हमने एक यूनिटी बनाया हमारे छिंदवाड़ा जिले भर की, जितने छात्रावास हैं बच्चियों के लड़कों के, एक मूवमेंट था। मूवमेंट कैसा था? यदि एक किसी के पैर में कांटा गड़ा तो दर्द सबको महसूस होता। कई मन चले लोग आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, सलाह बांधे हम लोग, हमका यार कब तक सुनेंगे, अब इनसे इनको दूसरा काम करना पड़ा। बच्ची आगे आगे रहे, हम लोग छुपे रहते थे, जो मन चले लोग उन पर धंधा बन गया। वहीं हमने चरण दास का प्रयोग किए, बहनों ने हमारी बहनों ने बहुत चरण दास का प्रयोग किए कि भगत ज्ञान नहीं मिले गुंडो। ये भी उस छिंदवाड़ा के अंदर हुआ। एक समय ऐसा आया कि पाटीदार कलेक्टर ने कॉलेज हॉस्टल में मेरी हत्या के लिए, मेरे साथियों के लिए, उसने प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों के साथ में हमला करवाया छात्रवास के अंदर, इनका मर्डर हो जाए। मगर हमारे छात्र छात्राएं बहुत जागरूक थे, वो एक इशारे में सब समझ जाते, इतना ट्रेंड किए थे हमने। तो भैया, जैसे ही हमला करने आए हॉस्टल में, हम तो सो रहे, हमारे लड़कों ने इतना मार मारा उनको, ढोल बना दिया, उनको पकड़ के ले गए हमने थाने में, रिपोर्ट दर्ज हुई, उनको कह दी कुछ सच पे, उनने उत्तर बता दिया, तुम कर्मचारी अधिकारी क्यों आए यहाँ पीटने के लिए? कलेक्टर पाटीदार का नाम बता दिया कि पाटीदार ने कहा भाई आप ऐसे ऐसा कर। पाटीदार को हमने वहीं से बोला कि कलेक्टर, तो कलेक्टर तो है, भारतीय संविधान तुझे सारे अधिकार दिए हैं,
मगर जो हमको हमारे साथ में छात्र छात्राओं के साथ में जो अन्याय कर रहा है, घृणित कार्य कर रहा है, हमने आंदोलन चलाया। 11 मई आंदोलन चला, कितने मई? 11 मई उस छिंदवाड़ा की धरती में आंदोलन चला मेरे जबरदस्त। और कलेक्टर को ऐलान कर दिए, यदि कलेक्टर आज से यदि तू यहां से नहीं हटाया जाता कलेक्टर को, तो आंदोलन के बाद इसकी मुंडी कांट को हम डॉक्टर बाबा साहब को चढ़ा देंगे। उस समय किसकी सरकार थी? पटवा जी। हमने चैलेंज किए पटवा जी, क्या नारा दिया? आदिवासी हरिजनों को कैसे विकास? पटवा होते रहो सत्यानाश। यही था हमारा, आदिवासी को कैसे विकास? पटवा हो तेरा सत्यानाश। 3 दिन बाद उसकी सरकार खत्म, गिर गई सरकार, राष्ट्रपति शासन लग गया। ये कहानी मेरे भाइयों, जो उस समय जब भंवर सिंह पूर्ति जी को लगा दिया ये लड़के लोग अच्छे काम कर रहे हैं, इसी छत्तीसगढ़ के भंवर सिंह पूर्ति जी बिलासपुर के मंत्री हुआ करते थे, समाज के नेता थे, आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने हमको छात्र प्रभाग का मध्य प्रदेश का महामंत्री बनाया, आदिवासी विकास परिषद हम पढ़ा ही रहे। जब हमने आंदोलन किए, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, छात्र छात्राओं का आंदोलन था जबरदस्त कि हमको सूखी फूकी रोटी दी जा रही है, ठीक से व्यवस्था नहीं है, हमारे राशन में छात्र दी नहीं जा रही है, और आप लोग टीवी देख रहे हैं घर में, हम लोग क्या खिड़की से देखेंगे? आप टीवी देख रहे, हमारी तो व्यवस्था करो, जो पत्रिका है पेपर है। हमने 7 दिन का मांग किए, पूरा बल्लभ भवन घेर लीजिए भोपाल के अंदर, बल्लभ भवन इतनी ज्यादा फोर्स से आई वहां हमको गिरफ्तार करने के लिए। हमने डीजीपी को कह दिया, सुनो डीजीपी, अब हमको इतना कमजोर मत समझना, मध्य प्रदेश के अंदर इतने छात्र छात्राओं के हॉस्टल है, सारे लोग आ रहे हैं, अभी तो हम यहां दिख रहे हैं, और तुमने एक भी लड़के को अंदर करने की कोशिश किया तो इस दुनिया में अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री च नहीं रहे। खुला चैलेंज ये हुआ कि अर्जुन छात्रों के बीच में आया और ऐसा मांग कहा, भैया कि ये मांग पत्र में बोले पूरी पूरी तुम्हारी मान रहा, मांग मान लिया। तो मेरा निवेदन है छात्रों, आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपको विपत्ति आएगी, क्योंकि मैं भी छात्र रहा हूं और छात्र से ही आगे बढ़ा हूं, संघर्ष के दौरान मैं आगे आया हूं, आपका मैं समय समय पर आपको मैं मदद करूंगा। जैसे ये छोटे भाई अभी लोग ना दादा हीरा सिंह का जो आंदोलन चल रहा मध्य प्रदेश के अंदर, तो इनको भय बैठ गया कि अब तो भाई स्टूडेंट भी आगे आ रहा, हमारा छात्र आगे आ रहा, छात्र यानी देश का भविष्य, और छात्र ने जो शुरुआत किया यही तो देश चलाएगा आने वाले समय। तो मेरे छात्र लोग, पूरे मध्य प्रदेश में आप लोग काम अच्छे से कर रहे हो, ये छोटे भैया लोग आपके बीच में हवा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे डरने की जरूरत नहीं, अपने को काम करना है, पढ़ाई भी करना है, अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई पीछे नहीं रहनी चाहिए। अभी कई मामले में राजनीतिक वाले हमको कुछ कह देते, तुम ये तो आदिवासी, तो मैं बोलता हूँ भाई आदिवासी तो हूँ, तुम हमसे पढ़ाई में तो हमसे पढ़ रहे पीछे हो, काम में पीछे हो, कहते बहुत सुधर गए आदिवासी, रोड सुधर गए, रोड नहीं सुधरा, तो हम कहते भाई इस रोड को देश को चमकाने वाला कौन है? यही गोंड समाज, गोंड समाज ने ही दुनिया को विकास किया है, और वो खुद का भी विकास करना जानता, मगर परिस्थितियां ऐसी आपके साथ में, जैसे हमारे भाई छिंदवाड़ा से बोल रहे थे कि भाई है वहां तो चार चक्री, जो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब हमारा आंदोलन चला ना, तो तामिया के लड़कों को कहीं इधर के किराए से उनको आगे लाके गलत बयानबाजी दिलवाना थी, समाज में ऐसा प्रचार करना, मगर हमारी सच्चाई लड़ाई, तो हमारा आंदोलन पीछे नहीं हुआ,
उनको भी हमने बाद में समझाया, भैया तुमको तुम्हारी भी लड़ाई हुई हमारी भी लड़ाई, समाज को जगाने की छात्रों की समस्या थी तो आप आगे आओ मगर बुराई मत करो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्योंकि हमारे समाज को छात्रों के साथ नहीं, छात्रों के साथ हो रहा है, मजदूरों को भी साथ हो रहा है, किसानों को भी साथ हो रहा है, तो नेताओं के साथ। नेता हमारा बहादुर नहीं होता, इसलिए नहीं होता बहादुर कि वो बंधुआ मजदूर होता। आपका नेता बंधुआ मजदूर होता, कोई आपको टिकट दे दी, आपको टिकट किसको देती है टिकट? राजनीतिक पार्टियां, जो गुलाम रहता, जो बोल नहीं सकता, कान का बहरा रहता, ऐसे आदमी के लोग टिकट देते हैं। और टिकट देते देते कितने साल हो गए ये? 70 साल। आज भी आदिवासी जो हमारा सांसद विधायक बना है संसद और विधानसभा के अंदर, कभी बोला नहीं, संघर्ष नहीं किया। एक कानून 2013 में पास हो गए भूमि अधिग्रहण, फिर जो भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था थी कि आदिवासियों की जमीन सरकार भी नहीं ले सकती, ना प्रदेश की सरकार नहीं ले सकती, ऐसा कानून था। वो कानून, ऐसा कानून को जब 2013 में संसदीय में किसकी सरकार थी? कांग्रेस। और संसदीय मंत्री कौन था? आज के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। कमलनाथ जी ने सबको मैनेजमेंट कर लिया, छोटे छोटे दल है ना, सबको मैनेजमेंट। भैया ये भूमि अधिग्रहण के बारे में आप मुंह बंद रखना, आपका मुंह बंद रखना, जो तुमको जो लगे वो मैं दूंगा। भूमि अधिग्रहण अगर संसद में आया, पेश हुआ, पास हो गया, एक भी आदमी ने विरोध नहीं किया, एक भी आदमी। मैं फग्गन भाई के पास गया, भैया तू सांसद है भैया कुछ बोल रहे? मैं नहीं बोल सकता। संगमा जी के पास गया कि तुम साहब लोकसभा के अध्यक्ष रहे हो, कुछ तो कर रहा के बोले सांसद नहीं, तुम तो आपकी लड़की तो सांसद है, आप नहीं हो तो आपकी लड़की तो है। दिलीप सिंह भूरिया जी के पास गया, बोले यार बेटा मैं सांसद नहीं, मर सांसद नहीं है, समाज में जाकर तो बोले, बोलना चाहिए। तो मेरे भाइयों, भूमि अधिकरण का किसी ने विरोध नहीं हुआ, आज वही आज देखने आदिवासियों को जंगल के जंगल लाखों लोगों को निकाले जा रहे हैं कि नहीं निकाले जा रहे हैं। और अब बाद में अभी जो कानून लाए, जब आपके पास भूमि नहीं रहेगी, जंगल से बाहर बेदखल हो जाओगे, तो क्या आप इस देश के कहलाओगे क्या भैया? सर जी, इस देश के आप कहलाओगे? बहुत बड़ा संयंत्र चल रहा है ये देश के अंदर, इसको समझने की जरूरत है। और आप अच्छे काम करें, पढ़े, और जो भी समस्या है, छोटी छोटी समस्या को लीजिए, अपना सोना मंत्री बनाई डेंडोरी का, इसको इसको नारा दीजिए, समस्या करना पड़ेगा। जब मैं छात्र था तो बीजेपी गवर्नमेंट थी, मंत्री कौन था? बलिराम कश्यप। इसकी धोती छोड़ दिया, सर पिटाओ, नंगा कर दिया, मैं भुला बोल रहा हूँ, इसलिए किया। तू धोती पहना मंत्री, आदिम जाति मंत्री कश्यप जी, आज हमारी ये समस्या है। कलेक्टर उसका दिशा था, दिशा कलेक्टर आया, उसी को पटक दिया, ये भी हुआ छिंदवाड़ा से। पेपरों में इसलिए नहीं आया क्योंकि मंत्री की बात थी, कलेक्टर की बात थी, कलेक्टर को पटके हमने, उसको नंगा किए बलिराम कश्यप को, आदिवासी था, मंत्री था आदिम जाति। हमारे पास एसपी आया, अरे भला भी जी कलेक्टर ने गलत की, कहने के लिए अब केस बनेगा तुम्हारे ऊपर, बोले पूरे इलाके उसको कान कर बुला दिया, एसपी साहब इधर आओ, कलेक्टर साहब आ गया। हमने जो मांग थी हमारी, हमने कोई गलत नहीं किया, ये सुन नहीं रहा था, बार बार हम जब धोती तरफ हाथ जाता था बीजेपी बलराम कश्यप का, तो थोड़ी घी दिया, गिर गई उनको ढीली थी, गिर गई तो गिर। कलेक्टर आया, हम नारे लगा रहे थे, अंग्रेज चला गया हाथ मेरा मेरा, तो गिर गया वो क्या। एक बात हो सकती है, हम कहा कि तुम बच सकते हो, कैसे बिल्कुल नंबर एक के डर पर कलेक्टर भी और मंत्री, कान में जाकर बोलो कि साहब अभी तो ये लड़के हैं, आपको जाना भोपाल मंत्री जी, अब आप महाराष्ट्र रोड से जाओगे, कहीं परासिया रोड से जाओगे, कहीं नरसिंहपुर तरफ,
इनके आदमी जगह जगह बैठे हैं। अब मैं क्या व्यवस्था करूं ऐसा कह रहा मंत्री को, अब आपकी मैं क्या व्यवस्था करूं, जगह जगह लोग बैठे हैं, पथराव हो जाए लाठी चाहे कुछ भी हो सकता है। कलेक्टर को बुला, एसएसपी साहब मुझे रिपोर्ट मिली है, एसपी कह रहा सब जगह इनके आदमी, यदि हम इनको अंदर करते हैं अभी तो जगह जगह इनके आदमी बैठे मंत्री जी क्या नहीं पाएंगे। तो कलेक्टर कहता कौन बलिराम कश्यप, अरे भैया लड़कों को धीरज तुम भगा रहे, धीरज भेज दो हमारा आरस फारस को छत करो ना केस बना और मुझे जल्दी निकाल दो। तो हम एसपी ने इशारा किया होगा तुम्हारा काम, नारे लगा दिए आगे निकल गए मंत्री हन। तो ये भी हमारा छात्र में ऐसा हुआ, कई ऐसी दिक्कतें आई, संघर्ष हुआ, अधिकारी भी हुए मेरे भाई, मगर आपको बता देना चाहता कौन सा सर, एक भी बच्चे कुछ होता, कुछ भी घटना घटती है कांटा गड़ता किसको, पूरे छात्र छात्रा होना चाहिए। आपने यदि पूरे एक का दर्द पूरे महसूस कर लिया, छोटी छोटी बातों को लेकर लो आपको आंदोलन करोगे पड़ेगा इस धरती पर, आंदोलन करना, आंदोलन करोगे आप जितना ज्यादा आंदोलन करोगे तो आप लोग, अभी हम क्या मनाते हैं जयंती भर है ना इसकी, रघुनाथ साह जी है और किसकी, शंकर साह जी की और रानी दुर्गावती की बहन बैठी है हमारी जी, रानी दुर्गावती की, बिरसा मुंडा की, नेल्सन मंडेला की, तो हम जयंती तो मना रहे हैं अभी तक आजादी के बाद। कभी आपने कोशिश की है कि मुझे नेल्सन मंडेला बनना है, हमारी बहन ने कभी की मुझे रानी दुर्गावती बनना है, है? ये धारणा शरीर में होना चाहिए। आप जिस दिन से आप संघर्ष करोगे, जितना संघर्ष हमारे नौजवान छात्र छात्राओं का होगा, तो सबसे ज्यादा लड़ाकू भविष्य में जो मंत्री विधायक बनेंगे वो हमारे छात्र नौजवान बनेंगे। जब ये धरती में छात्र छात्र जब यहाँ थक जाएगा, विधायक विधानसभा लोकसभा में जो आप खाली मुंह बजाता है जे कौन बाप बनोगे, संघर्ष के लिए देखिए। हम संघर्ष करते करते जे उम्र आ गई, हम भी चाहते हैं कि दादा ने कहा मुझे, मरकाम दादा ने शोभाराम भलावी, मैं बुजुर्ग हो चुका हूं मुझे, तो वह मैं तुझे जिम्मेदारी देता हूं, मैं कांग्रेस में था तो मैं समाज का ही, मगर कुछ घटना घट गई थी आदिवासियों को बचाने के लिए, मैं मेरे जिले में घटना घट गई थी, वो मार मारा आदिवासियों ने, पुलिस को लंगड़ाई कर दी, कोई टेढ़ाई कर दी, पुलिस की गाड़ी जला दी, उसमें शासकीय अधिकारी कर्मचारी फंसे, उनको बचाने के लिए मुझे कांग्रेस के पेट में घुसना पड़ा, क्योंकि उनको बचाना था मेरे भाई। सब लोग कहने लगे शिवराम भला भी बिक गए, बिक गए, मेरे को बिका नहीं, उनको बचाने गया। फिर मुझे इन लोगों ने क्या किया कांग्रेस में, अच्छा ठीक है लीडर बनता है आदिवासियों का, मध्य प्रदेश को आदिवासी वित्त विकास निगम का अध्यक्ष दिए और बना दिए और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए, मंत्री बनने के बाद मैंने जब देखा भैया जगह जगह गया तो सारी गाड़ी घोड़े योजना समान लोगों के घर में चल रही, आदिवासियों को नाम था और गाड़ियां और योजना किसके पास में थी, समान लोगों के पास में, पटेलों माल गुजारों के पास, यही लड़ाई लड़ते रहा मेरे भाई। अब क्या करूं, समय बीत गया लड़ते लड़ते लड़ते, मैंने देखो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, इस बात को पेपरों में नहीं छपा, 6 माह तक दिग्विजय सिंह के रिश्तेदार जेल में सड़ते रहे, वित्त विकास निगम की गाड़ी आदिवासियों के नाम से लिए थे, उसको मैंने जब्ती बनाया, केस बनाया, मुख्यमंत्री रहते हुए मेरे जेल पहुंचा दी उसके रिश्तेदारों, मगर ये बात समाज में पता नहीं है, क्योंकि सरकार उनकी थी, काम करना पड़ता। फिर दूसरे बार इन्होंने मुझे वन विकास दिए, वन विकास निगम दिए, भैया लिखी राम कावरे जानते हो, लिखी राम कावरे गर्दन काट दी थी लोगों ने, नक्सलवादी उन नक्सलवादी नहीं, वो तो इन्हीं की गुंडे थी, वे लोग मुझे रुमाल के रेस्ट हाउस ये है, रुमाल बरघाट के क्षेत्र ब्लॉक में
वहां मेरी भी हत्या होने वाली थी, मगर बड़ा देव की कृपा है मैं बच गया। मेरी हत्या नहीं, वो जेल भेजना है, मैंने कोई समाज वहां सरकार कुछ कुछ नहीं किया। मेरे साथ के आदमी मालूम, अरे पांच पांच बिल्डिंग है, 50 लाख की गाड़ी भी चल रहा है, मेरे पास साइकिल भी नहीं। इसलिए यदि मैं कुछ करता तो मेरी तो जेल मुझे भेजाते हैं। तो मेरे भाइयों, वही दादा ने कहा सोहराम भला भी तू गोड वाला में आ, तू समाज का काम कर। मेरी उम्र बोले हल्की, किस दिन क्या नहीं क्या हो जाएगा, तुमको सब मिलकर बोले गोंडवाना उड़ाकर समाज का काम कर। मेरा आशीर्वाद बोले समाज को जगाओ, हार जीत होती रहती है, तुम अच्छा काम करना सबको, बच्चों मुझे बार बार समझा, बिल्कुल बच्चे जैसे बिठा लगे, लड़कों को जगाना है, महिला को जगाना, छात्राओं को जगाना है, और जो भी बुजुर्ग है सबको सम्मान सम्मान देना। बहुत सारी तेरे पास समस्या आएगी, बोले थे जीवन भर तो भोगा है मगर तू सह लेगा, बोले मगर समाज का जो झंडा है वो बोले फहरा देना इस भारत की भूमि में, अपना गोंडवान ना राज आ सकता है। बस अर्थ है कि हमारे नौजवान साथी सर में खबर बांध कर संघर्ष करेंगे। मैं यहीं तक बोलूंगा।